हेलो माय यंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले सेशन में पोयम पढ़ी थी लोहड़ी। लोहड़ी के ऊपर पोयम पढ़ी थी, बहुत ही प्यारी पोयम थी। आज इसी पोयम को हम जो है कंक्लूडिंग पार्ट इसका हम पढ़ने वाले। पोयम हमने पढ़ ली थी, एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लिया था। इस पोयम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ग्रामर की एक्सरसाइजेस हैं, आज हम उनको देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, Let's read and understand the exercise part of the chapter Lohri. So first of all, we will start with the exercises of listen and repeat. Listen and repeat का मतलब क्या हुआ? सुनो और repeat करो, दोहराओ। तो जो भी हम poem पढ़ते हैं उसमें ये exercise जरूर होती है। देखिए, इसमें क्या होता है, अक्सर जो है हमारे जो rhyming words होते हैं वो होते हैं। देखिए, मैं बोलूंगी आपको, second time में आपको भी बोलना है। माइन शाइन, माइन शाइन, पाइन फाइन, पाइन फाइन, माइल पाइल, माइल पाइल, लैंड बैंड, नाउ वो, वुड हुड, वुड हुड। Now, second exercise, listen to the teacher as she/he reads the poem and fill in the gaps. यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि जैसे मैंने जब पोएम पढ़ी थी तो वैसे आपको सुननी थी और उसके बाद इसके जो गैप्स हैं उसको फिल करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम आंसर्स देखते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट है डैश इन द साउथ, तो पहले ब्लैंक में आप भरेंगे डाउन, डाउन इन द साउथ। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए फटाफट, डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन इन द साउथ। The days are fine. The days are fine. F-I-N-E, fine. तो first blank पे लिखेंगे down, second blank पे लिखेंगे fine. Next, when dash comes, when January comes. ये सारा आपका poem से ही लिया हुआ है words. When January, J-A-N-U-A-R-Y. When January comes around, fourth blank पे लिखिएगा around, A-R-O-U-N-D, around. But up in the north. But up in the north, N-O-R-T-H, north, and in the hills, H-I-L-L-S, and in the hills, and so forth, S-O-S-O, F-O-R-T-H, forth. So, यहाँ पे आप so लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे forth, F-O-R-T-H, and so forth. January's Lohri time, January's Lohri time, L-O-H-R-I, Lohri. तो इस तरह से ये सारे ब्लैंक्स भरेंगे। फिर से एक बार बताती हूँ, फर्स्ट ब्लैंक में लिखिए डाउन, देन फाइन, उसके बाद जनवरी, अराउंड, नॉर्थ, हिल्स, सो फोर्थ, और फिर लोहड़ी। तो ये हो गए ब्लैंक्स हमारे। लिसन टू द पोएम केयरफुली एंड राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो हमने पोएम पढ़ी थी, हमने जब पोएम पढ़ी तो आपने देखा होगा कुछ राइमिंग वर्ड्स थे, तो उनमें से राइमिंग वर्ड्स हमें इन वर्ड्स के निकाल के लिखने हैं, ठीक है ना। तो जैसे पाइन है तो पाइन का क्या होगा, फाइन, पाइन फाइन, एफ आई एन ई फाइन लिखेंगे, फाइल पाइल, पी आई एल ई पाइल, फाइल के आगे लिखिएगा पाइल। ब्लेम, ब्लेम का क्या होगा, फ्लेम, एफ एल ए एम ई, फ्लेम, ब्लेम फ्लेम। नेक्स्ट है कट्स, तो इसके बाद होगा नट्स, कट्स का जो राइमिंग होगा वो होगा नट्स, तो एन यू टी एस, नट्स, कट्स, नट्स। नेक्स्ट है लेटर, बेटर, बीई डबल टी ई आर, बेटर। और लास्ट है टर्न, बर्न, बी यू आर एन, बर्न। तो फिर से एक बार देखते हैं, पाइन फाइन, फाइल पाइल, ब्लेम फ्लेम, कट्स नट्स, लेटर बेटर, टर्न बर्न, ये सारे हमारे राइमिंग वर्ड्स थे। Now, as you can see, comprehension questions और ये जो exercise हम पहले ही कर चुके हैं। Write the missing lines, हमारी next exercise है, write the missing lines. तो poem से ही ली गई है। इसमें जो line missing है यहाँ पे वो हमें लिखनी है। Down in the south, इसके बाद क्या आती है line? The days are fine. आप अपनी book में poem में देख सकते हैं, यही line लिखी है, the days are fine, ये लिख लीजिए। Next line, bonfires consume a lot of wood. आगे इसकी क्या है line? For the environment, this is not so good. For the environment, this is not so good. यहाँ पे ये लिखना है। Let's burn our hatred instead of wood. और फिर लिखेंगे and send it up in flames for good.
तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप अगर पोएम पढ़ेंगे तो आपको ये सारे इजीली मिल जाएंगे लाइंस। इसके बाद देखिए जो एक्सरसाइज है वो आज हम करने भी वाले हैं और लास्ट हमने अपने सेशन में की भी थी। देखिए जी इज प्रोनाउंस्ड इन टू डिफरेंट वेज। जी जो वर्ड है ना इंग्लिश का अल्फाबेट का जी वर्ड, हम दो अलग अलग तरीकों से प्रोनाउंस करते उच्चारण करते उसका, एज जी इन गैप, जैसे हम जब गैप लिखते हैं तो ग इसका साउंड आता है ना, एंड एज जे इन जैम, और जैसे कि ज जैसे जार होता है तो वैसे ज साउंड होता है जैम में, तो ज और ग ये दो साउंड आते हैं जी। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स, नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, तो हमें इनको क्लासिफाई करना है इसके साउंड के अकॉर्डिंग। जैसे कि जैम, तो जहां पे ज साउंड हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जहां पे गैप ग साउंड हो रहा है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं, गिव, जैम, जिंजर, ग्रो, गेट, ज्योमेट्री, ग्रास, गेस्ट, जायंट, ज्योग्राफी, जज। ओके, तो आप देखिए यहाँ जहां पे जैम लिखा हुआ है वहां पे हमें ज साउंड वाले वर्ड्स निकालने हैं, तो कौन कौन से हैं, जिंजर, ज्योमेट्री, जायंट, ज्योग्राफी एंड जज। तो ये ज साउंड आ रहा है इसमें, अगेन आई रिपीट, जिंजर, ज्योमेट्री, जायंट, ज्योग्राफी एंड जज। अब हमें ग साउंड वाले वर्ड्स लिखने हैं, जैसे गैप लिखा है तो ऐसे ही गिव, ग्रो, गेट, ग्रास, गेस्ट। अगेन आई रिपीट, गिव, ग्रो, गेट, ग्रास एंड गेस्ट। तो ये हम इस तरह से इन वर्ड्स में से फाइव फाइव वर्ड्स दोनों इसमें आ जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो जो है हमारी ग्रामर की है, तो वो ग्रामर की एक्सरसाइज क्या है ये आज हम देखने वाले हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन, नैरेटिव फॉर्म्स और इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है। लेट्स टॉक, यानी आओ बात करें, इसमें हमें दिया गया है डिस्कस अबाउट फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, ईद, क्रिसमस। तो हमें जैसे अलग अलग फेस्टिवल्स होते, त्योहार होते, उसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फेस्टिवल्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। वर्क इन पेयर्स, तो आप क्या कर सकते हैं पेयर्स में दो तीन बच्चे मिलके जो है आराम से ये काम कर सकते हैं। इसमें आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अलग अलग फेस्टिवल्स की, और ये चार्ट दिया हुआ है नीचे, देखिए इसको फिल करना है। तो यहाँ मैंने एक जो है कॉलम एक भरा हुआ है सब में, वो आप देख सकते हैं अभी, तो उसके अकॉर्डिंग ही सेकेंड और थर्ड में आप खुद से लिखेंगे, खुद से सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और लिखेंगे। तो देखिए जैसे सबसे पहले नेम ऑफ द फेस्टिवल, किस फेस्टिवल के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उसका नाम भी कैसे यहाँ पे लिखा है, दिवाली, हम दिवाली के बारे में लिख रहे हैं। सेकेंड है व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, यानी कब सेलिब्रेट किया जाता है, दिवाली कब मनाई जाती है, अक्टूबर और नवंबर, या तो अक्टूबर के महीने में आती है या नवंबर के महीने में आती है। हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, कैसे मनाई जाती है दिवाली, तो बर्निंग क्रैकर्स, हम जो है बहुत सारे पटाखे छोड़ते हैं, फुलझड़िया लगाते हैं, लाइटिंग हाउसेज एंड शॉप्स, घर दुकान को हम सजाते हैं और लाइटिंग करते हैं वहां पे, प्रेइंग गॉडेस लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो ये इस तरह से हम दिवाली मनाते हैं, हाउ इट इज सेलिब्रेटेड हो गया, और लास्ट है व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड, इसको हम क्यों मनाते हैं दिवाली को। तो इसका आंसर, रिटर्निंग ऑफ लॉर्ड राम, सीता एंड लक्ष्मण टू अयोध्या फ्रॉम 14 इयर्स ऑफ एग्जाइल, यानी कि हम सब जानते हैं दिवाली क्यों मनाते हैं, जब राम, सीता और लक्ष्मण ये जो है अयोध्या वापस आए थे 14 साल के वनवास के बाद, तो इसलिए मनाई जाती। तो जिस तरह से ये आपने देखा वैसे ही आप अलग अलग फेस्टिवल्स के नेम लिखिए, जैसे कि होली, क्रिसमस, ईद, है ना, उनका नाम लिखिए, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखिए। अब आइए जो इस पोएम से, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइजेस हैं उनको भी देख लेते हैं। सो टुडे चिल्ड्रन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर इन यूज, ग्रामर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनका यूज करके हमें सही जगह पे फिल इन द ब्लैंक करना है। वर्ड्स कौन से हैं, इनटू, अक्रॉस, अप, बिटवीन, अमंग। तो जैसे जैसे हम इनका यूज करेंगे आपको इसका मीनिंग भी पता चलता जाएगा, मैं मीनिंग बताते जाऊंगी। देखिए पहला है, लेटर क्यू कम्स बिटवीन लेटर्स पी एंड आर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि लेटर क्यू जो है इंग्लिश अल्फाबेट का
वो आता है लेटर्स पी एंड आर के बीच में। अब यानी बिटवीन का मतलब क्या हुआ, जब हम दो चीजों दो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, है ना, तो यानी कि दो की बात होगी और अगर हम उसके बीच में कुछ बांटने की बात या कुछ करेंगे तो फिर वहां पे हम बिटवीन लगाएंगे। लेटर क्यू कम्स बिटवीन लेटर्स पी एंड आर। लेटर क्यू पी और आर लेटर के बीच में आता है ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, क्लियर है। तो बिटवीन यानी दो की बात हो रही है जब, तो उसके बीच में। स्मोक गोज अप इन द स्काई। स्मोक यानी कि धुआं जो है आसमान में ऊपर उठता है, अप यानी ऊपर, स्मोक गोज अप इन द स्काई। डोंट थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, यानी कि वेस्ट पेपर को इधर उधर कहीं भी मत फेंको। पुट इट इन टू अ डस्टबिन, उसको एक डस्टबिन में कूड़ेदान में डालो। अब इंटू कहां पे यूज करते हैं, जब हम कोई चीज बाहर से अंदर फेंकते हैं या फिर अंदर बाहर से अंदर जाती है कोई चीज, तो हम वहां पे इंटू का यूज करते हैं। ठीक है ना, इन और इंटू में बहुत थोड़ा सा फर्क है। इन हम तब लिखते हैं जब कोई चीज पहले से ही अंदर हो, और हम जब बाहर से अंदर फेंक रहे हैं या कोई चीज जा रही है तो वहां पे इंटू का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कैट रैन अक्रॉस द रूम क्विकली, यानी कि बिल्ली जो है रूम में अक्रॉस द रैन, यानी कि यहां से वहां भागी जल्दी से। तो जब हम यहां से वहां जा रहे हैं या यहां से वहां जाने की बात हो रही है, अक्रॉस। ठीक है, शी वर्क्स अमंग द पुअर, जैसे मैंने आपको बताया था बिटवीन दो लोगों के बीच की बात होती है, अमंग दो से ज्यादा, कई सारे लोग हो तो वहां पे अमंग की बात होती है। तो वो जो है पुअर यानी गरीबों के बीच काम करती है। ये हो गई हमारी जो आज फिल इन द ब्लैंक्स देखी है। रीराइट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, हमें ये जो कन्वर्सेशन है मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है। अगर आप जो है बुक देखेंगे तो एक पूरा कन्वर्सेशन दिखेगा, इजी करने के लिए मैंने लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिया है और उसको समझाते जाएंगे। ठीक है ना, तो उसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। बाला, विनीता वेयर डिड यू गो यस्टरडे, बाला कहती है कि विनीता तुम कल कहाँ गई थी, तो इसको किस तरह से लिखेंगे। बाला आस्क्ड विनीता वेयर शी हैड गॉन द प्रीवियस डे, ठीक है ना, बाला विनीता से पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। तो बाला आस्क्ड विनीता वेयर, अब देखेंगे डिड यू गो की जगह हो गया शी हैड गॉन, तो हम यहाँ पे हमेशा जो है थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, शी हैड गॉन द प्रीवियस डे यस्टरडे, तो प्रीवियस डे हो गया। चेंजेस होते रहते और क्वेश्चन मार्क हमारा हट गया। विनीता आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, विनीता कहती है आई वेंट टू द मार्केट, तो विनीता सेड, देखिए कैसे लिखेंगे, विनीता रिप्लाइड या विनीता सेड, कुछ भी लिख सकते हैं। विनीता रिप्लाइड बाला दैट शी हैड गॉन टू द मार्केट द प्रीवियस डे। ठीक, नेक्स्ट बाला व्हाट डिड यू बाय देयर, बाला पूछती है कि तुमने वहां क्या खरीदा। बाला आस्क्ड विनीता व्हाट शी हैड बॉट देयर, तो बाला विनीता से पूछती है कि उसने वहां क्या खरीदा। विनीता आई बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सो विनीता कहती है कि मैंने कुछ फल और सब्जियां खरीदी। विनीता टोल्ड बाला, अब जो हम बताते ना कि बताया, विनीता ने उसको बताया, एक होता है आंसर देना, ठीक है, जैसे कि जहां पे हमने रिप्लाई लिखा, अब ये उसने बताया विनीता टोल्ड बाला दैट शी हैड बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जो है जो सेंटेंस हम चेंज कर रहे हैं नैरेटिव उसका, तो हम वहां पे दैट लगा रहे हैं, सो दैट शी हैड बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बाला विल यू कम विथ मी टूडे, बाला पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ आ जाओगी। बाला आस्क्ड विनीता इफ शी कुड कम विथ हर दैट डे, ओके, बाला आस्क्ड विनीता, फिर से जब क्वेश्चन है तो आप आस्क्ड लगाएंगे उसमें, सो बाला आस्क्ड विनीता इफ शी कुड कम विथ हर दैट डे, अगर वो उसके साथ आ सकती है उस दिन। तो आपने देखा यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टूडे का दैट डे। विनीता यस आई विल, तो विनीता रिप्लाइड दैट शी वुड कम विद हर दैट डे। अब आप सोचेंगे कि उसने तो इतना सा आंसर किया यस आई विल और ये इतना लंबा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ता है। विनीता रिप्लाइड दैट शी वुड कम विद हर दैट डे। अब देखिए लेट्स राइट में एक हमारी एक्सरसाइज है, राइट अ पैराग्राफ ऑन होली, होली के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे देखिए। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली रंगों का त्योहार है। The people express their happiness by throwing colors on their friends, relatives and neighbors. लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं, खुशी को express करते हैं लोगों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, नाते रिश्तेदारों के ऊपर और पड़ोसियों के ऊपर रंग फेंक के, रंग गुलाल फेंकते हैं ना। They make fun, वो लोग मजा करते हैं। They use dry and wet colors, लोग जो है सूखे और गीले हर तरह के रंग use करते हैं।
रिलेटिंग टू द फेस्टिवल एंड सीजन पीपल आर लॉस्ट इन सिंगिंग सॉन्ग्स, यानी कि त्योहार से और सीजन से, मौसम से संबंधित लोग जो है गाने गाते हैं. दे फील हैप्पी बाय वेलकमिंग देयर फ्रेंड्स विद स्वीट मीट्स एंड स्नैक्स. लोग जो है खुशी मनाते हैं और अपने दोस्तों का और सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मिठाइयां देके, स्नैक्स देके, यानी कि नमकीन देके. शुगर केन फील्स लुक फुल ऑफ चेयरफुलनेस ऑफ द फार्मर्स हु वर्क देयर. शुगर केन यानी कि गन्ने, गन्ने के जो खेत होते हैं बहुत ही सुंदर दिखते हैं और जो किसान होते हैं वहां पे जो काम करने वाले वो भी बहुत ही खुश नजर आते हैं. एवरीवन स्मॉल और बिग बियर्स अ स्माइल ऑन हिज फेस. हर कोई चाहे छोटा हो या बड़ा अपने चेहरे पर, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होती है. तो बच्चों आज हमने ये पोयम, लोहड़ी की जो पोयम थी, ये हमने पढ़ी, समझी और साथ में आज इसकी एक्सरसाइज की है. उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. अब हम अपने अगले सेशन में आपके नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे. सो तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय.